सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, हाल ही में मीटिंग हुई थी टिकट बंटवारे को लेकर, क्या कुछ रहा मीटिंग में, अगली मीटिंग कब है? देखिए, अभी तो जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं अजय माकन जी और मानिक टैगोर मेंबर हैं और श्रीनिवासन जी, तीन मेंबर थे जिन्होंने मुझे दो दिन पहले बुलाया था, तो उनसे विस्तार में चर्चा हुई है। मैंने तो जो उनको लिस्ट दी है 90 की 90 सीटों पे जी है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा फोकस मैंने करीबन 40-42 सीटों पे उन पे जो है खुल के डिस्कशन जो हमने करी है, और अब उसमें देखते हैं कि भी एक, और मेरे से पहले महेंद्र प्रताप भी मिले थे, उसके बाद जो है जयप्रकाश जी भी उस दिन आ गए थे, वरुण चौधरी जी भी मिले हैं, कल कुमारी शैलजा जी भी मिली हैं, रणदीप को भी बनाएंगे, और जितने भी जो MPs हैं सबकी राय ले रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो संदेश बड़ा स्पष्ट था कि एक तरफा नहीं होगा, राय सबकी ली जाएगी, तो उसी दिशा में जो है, और मुझे पूरा भरोसा है अजय माकन जी जो हैं उनसे हमें सबको जो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जो है उनका जो है उनको हक मिलेगा और जिताऊ कैंडिडेट को ही वो मदद करेंगे। और कब तक उम्मीद करें हम, कब तक टिकटें अनाउंस हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि उसका कोई पैमाना मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में तो कुछ तो सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी, और बाकी तो CEC ने डिसाइड करना है, CEC कब बैठती है उसके बारे में जब पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आज भाजपा ने ये कहा है कि राहुल गांधी SC कास्ट की लगातार बात करते हैं, लेकिन भाजपा ने तो SC को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या राहुल गांधी जो है वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीदवार घोषित करेंगे, ऐसी भाजपा कह रही है? ऐसा है कि शायद उनको ज्ञान नहीं है कि हमारे बैकवर्ड के जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया हैं अपने तेलंगाना में, तो बैकवर्ड के ने यहाँ बनाया, तो जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री बनाने की, उसमें एक प्रतिक्रिया है जो चुने हुए विधायक हैं उनसे जो है बाकायदा उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, और व्यूज़ लेने के बाद जो सेंट्रल ऑब्जर्वर आते हैं वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और उसके बाद जो है हाईकमांड के ऊपर अब छोड़ दिया जाता है, बाकायदा CLP की मीटिंग बुलाई जाती है। मैं तो 6 दफ़ा MLA बना हूँ, तो मैंने तो देखा है किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, तो उसके बाद जो है वो डिसीजन होता है, जो हमारे खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हैं वो निर्णय लेंगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो बात लगातार ये कह रहे हैं कि जो SC का जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं उस बात को लेकर कह रहे हैं कि उम्मीदवार क्यों ना घोषित कर दें, वो क्या नहीं कहते हैं, मैं उस पछड़े में फंसना नहीं चाहता। मैंने आपको बता दिया कि उसमें कोई बन सकता है, जो MLA चाहे SC हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे कोई भी हो, तो कोई भी, तो अब अगर खट्टर जो है फर्स्ट टाइम विधायक था वो मुख्यमंत्री बन गया, फर्स्ट टाइम जो है नायब सिंह सैनी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता वो मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये तो एक भविष्य की बात है, तो मैं उनके जाल में आना नहीं चाहता हूँ, और हमारा समय बताएगा कौन किसको बनाएगा, उनको सामने आ जाएगी। कहते हैं ना, नाई के जब बाल काटते हैं तो आगे गिरते हैं, तो पता लग जाता है कितने बाल है सिर पे। बिल्कुल, तो ये थे कैप्टन अजय सिंह यादव, जिनका कहना है कि जल्द ही जो है इनकी दावेदारों की जो लिस्ट है वो फाइनल कर ली जाएगी और उसके बाद उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही शैलजा के मुद्दे पर उनका कहना है कि एक प्रक्रिया है जो आलाकमान तय करेगा कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से कौन होगा अगर पार्टी जीतती है तो। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, रेवाड़ी। केंद्रीय चुनाव